महामहिम राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में हम एक मजबूत संकल्प के साथ टीवी उन्मूलन अभियान का जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो लक्ष्य 2030 का है, लेकिन भारत ने, हमारे देश ने और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य को 2025 का लक्ष्य मानकर, या मैं कहूं कि इसको लक्ष्य तक मानकर इसके उन्मूलन की दिशा में कारगर रूप से कदम उठाया है। और मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बड़े भाई मनसुख मांडविया जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब कभी भी हम उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य की चिंताओं को अवगत कराते हैं, तो मैं महसूस करता हूं कि स्वास्थ्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसको राजनीति के चश्मे और आईने से नहीं देखा जा सकता है। इसको यदि देखा जा सकता है तो सिर्फ मानवता के और मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाता है, और उनका हमें सहयोग भी मिल रहा है। और अभी अभी हम लोगों ने कोविड जैसी एक विभीषिका को झेला है, बल्कि मैं ये कहूं कि अभी तक हम झेल रहे हैं, और वो विभीषिका इतनी गहरी हमारे मानव पटल पर, इतने गहरे छाप उसने छोड़े हैं कि वो छाप अभी तक हमारे स्मृति पटल में एक गहरे दाग के रूप में उभरे हुए हैं। हम भारत के लोग, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाले लोग, सारी दुनिया और सारे लोगों को अपने परिवार मानने वाले लोग, आज हम कई तरह की बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ तो बीमारियों को हम लोगों ने इस देश से समाप्त भी कर दिया है, जैसे पोलियो वगैरह इस देश से समाप्त हो चुका है। हालांकि हमारे पड़ोसी देशों में अभी भी इसके दंश लोग झेल रहे हैं, उसी प्रकार से टीबी भी हम लोगों के बीच में एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी को हमको बहुत गहराई से समझना होगा। बल्कि मैं ये कहूं कि टीबी और कोविड, बोथ आर सेम, देयर हैव नॉट बेसिकली डिफरेंसेस, इसमें बहुत डिफरेंसेस नहीं है। और इसकी जो जांच भी है, वो मैं समझता हूं कि यदि कोविड को की जांच और टीबी की जांच को दोनों को मिलाकर यदि किया जाए, तो मैं समझता हूं एक पंथ दो लाभ होंगे, क्योंकि टीबी को भी हम ट्रूनेट से ही जांचते हैं, और टीबी और कोविड दोनों की जांच जो है वो हम एक ही विधि से करते हैं। तो मैं समझता हूं उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे राज्य में हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जांच के दायरे में लाएं, ताकि जो जितनी ज़्यादा जांच होगी और जितने ज़्यादा जांच में आएंगे, और अभी तक हमारे यहाँ करीब 34,241 ऐसे मरीज हैं जो इलाजरत हैं, और ये निश्चित तौर पर अब हम लोगों को बीमारियों को बहुत, केवल इसको बीमारी को दवाइयों से ठीक करने की जगह, अब हम लोगों को बीमारियों को ठीक करने के लिए, इसके समूल उन्मूलन के लिए अपने शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। और मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ एक कार्यक्रम में था, और उन्होंने बहुत ही गंभीर बात बहुत ही सरल लहजे में कह दी कि जो हमारा रसोई घर है, रसोई घर तो खुद ही एक दवा खाना है, जहां विभिन्न प्रकार की चीजें हम रोजमर्रा जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि इस्तेमाल करने के उनके तौर तरीके थोड़े ठीक हो जाएं, तो हम बहुत शरीर को बहुत तरीके से प्रतिरोधात्मक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं,
वहाँ लौंग भी मिलता है, जायफल भी मिलता है, इलायची भी मिलती है, गोलकी भी मिलती है, मतलब बहुत हमारे जो मसाले हैं वो तो सारे मसाले पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, उसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन वो शारीरिक रूप से भी प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाते हैं। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि महामहिम जिस गहराइयों तक जाकर विचार करने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं, उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर हम टीवी उन्मूलन को हम अपने लक्ष्य से भी पहले पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे ACS साहब ने भी कहा है कि हम महामहिम के नेतृत्व में किसी भी स्तर पर हम उसकी कमी नहीं होने देंगे और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेंगे। अभी तक हम लोगों ने करीब 19,000 ऐसे हमारे मित्र बना लिए हैं जिन मित्रों के को हम जवाबदेही देंगे। सरकार चाहे तो निश्चित तौर पर जो भी हमारे 34,241 पेशेंट हैं उनको हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो मैं कह रहा हूँ उस विचार को बढ़ाने के लिए, उस विचार को आगे चलाने के लिए लोगों की सामूहिक भागीदारी हो, ताकि हम उसको हीन भावना से भी बचाएं और उसके साथ उसको उस स्तर तक ले आए जहां तक वो ठीक हो जाए। और मैं समझता हूं कि करीब करीब 1,00,000 से ज़्यादा मरीज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और उसमें अब बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन हमको जांच बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं महामहिम राज्यपाल को महोदय को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोग PCPNDT एक्ट को भी मजबूत कर रहे हैं, साथ ही साथ हम सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों को भी समाप्ति की दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम पूरे मजबूती के साथ हम स्वास्थ्य की दिशा और दशा को मजबूती से लागू कर रहे हैं और आपके सानिध्य में हम निश्चित तौर पर इस TB उन्मूलन अभियान को समयबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।